हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आई वांट टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो आज का ये जो केक है ये वैलेंटाइंस थीम पे है, एज यू कैन सी। सो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने केक कैसे बनाया। तो केक बनाने के लिए जो भी मेजरमेंट मैं लेती हूँ ना, उसके लिए मैं ये टूल यूज़ करती हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। सो मैंने यहाँ पे वनीला केक प्रीमिक्स का यूज़ किया, जो आपको किसी भी बेकिंग शॉप में आराम से मिल जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांड। और इसमें मैंने ऐड किया है ऑयल, आप चाहो तो मेल्टेड बटर भी ऐड कर सकती हो। एंड वाटर की हेल्प से मैंने इसका एक थिक फ्लोई कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लिया है। एंड केक का बैटर बनाते वक्त ना, आप ट्राई करो कि आप थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करो ताकि वो ओवर लिक्विड ना हो जाए, अदरवाइज वो अच्छे से बेक नहीं होगा। एंड ट्राई करना हैंड बीटर का यूज़ करने का, उससे केक बहुत फ्लफी बनता है और आपको बीट एक ही डायरेक्शन में करना है। सो ये जो मैंने मेजरमेंट लिया है ना, ये मैंने लिया है 7 इंच केक के लिए। सो उसके लिए मैंने ये केक टिन यूज़ किया है, उसमें अच्छे से ऑयल ब्रश कर लिया ताकि केक बेक होने के बाद आसानी से इससे निकल जाए। और फिर मैंने इसकी के साइज़ का एक बटर पेपर कट करके इसमें ऐड कर दिया है बेस के लिए। एंड उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर लिया है। एंड फिर इसमें ऐड कर दिया है अपना केक बैटर अच्छे से। और केक बैटर ऐड करने के बाद ना, आपको इसको 3 से 4 बार टैप करना है ताकि जो बबल्स है वो निकल जाए। अब क्योंकि मेरे पास अवन या OTG नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रेशर कुकर में केक बेक करने वाली हूँ, जो बहुत ही आसान भी है। तो प्रेशर कुकर की आपको सबसे पहले विसल निकाल देनी है ध्यान से एकदम। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है सॉल्ट, और ये जो सॉल्ट आप यूज़ करोगे ना, आप इसको मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो फॉर बेकिंग अ केक। और फिर उसमें कोई भी एक ऐसा कंटेनर जिसके ऊपर आप अपना केक टिन रख सको, वो ऐड करके इसको 15 मिनट प्रीहीट करना है। एंड उसके बाद अपना केक टिन इसमें ऐड कर देना है और 30 मिनट्स के लिए आपको अपना केक बेक करना है। नाउ केक जो है ना, वो 30 to 40 मिनट्स के बीच में बेक हो जाता है, बट 30 मिनट्स में एक बार आप चेक कर लो टूथपिक की हेल्प से कि केक बेक हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आपको टूथपिक को इंसर्ट करना है, अगर वो पूरा क्लीन निकल गया है तो आपका केक बेक हो चुका है, अगर नहीं तो आप 5 मिनट के लिए और उसको बेक कर लो। और फिर केक जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब उसको इस तरह से निकाल लो केक टिन से। आप देख सकते हो कितने आसानी से ये केक निकल गया, एंड इसका बटर पेपर भी आसानी से निकल जाता है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती, और कितना फ्लफी केक बना है। अब केक जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए ना, तब आप इसकी लेयर्स कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर केक बनाया है। आप केक नाइफ की हेल्प से आराम से लेयर्स कट कर लोगे, बट लेयर्स अगर थोड़े से अनइवन भी हो जाए तो टेंशन या पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। आप आराम से उसको एडजस्ट कर सकते हो वाइल क्रम्बल कोटिंग, उस टाइम हम दिखाएंगे कि वो कैसे करना है। तो जब लेयर्स कट हो गई, तो अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ट्रॉपलाइट की विप क्रीम फॉर क्रम्बल कोटिंग एंड फॉर डेकोरेटिंग माई केक। इसको भी आपको एक ही डायरेक्शन में बीट करना है। सो यहाँ पे एक टिप है कि आप जब भी केक से रिलेटेड कुछ भी बीट करते हो ना, लाइक केक बैटर या फिर विपिंग क्रीम, आप जब उसको एक ही डायरेक्शन में करते हो ना, तो और ज़्यादा फ्लफी बनती है। और सो क्योंकि हम यहाँ पे एक फ्लेवर्ड केक बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ब्लैक करेंट फ्रूट क्रश। आप सेम वे में कोई भी फ्लेवर का केक बना सकते हो। और मालास का जो ब्रांड का फ्रूट क्रश होता है ना, वो मुझे पर्सनली ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी क्रीम अलग की और उसमें फ्रूट क्रश ऐड कर दिया है, एंड थोड़ी सी क्रीम अलग रखी है फॉर क्रम्बल कोटिंग। तो यहाँ पे मैंने केक बोर्ड ले लिया है, उसमें थोड़ी सी क्रीम लगाई है ताकि हमारा जो केक है वो मिसप्लेस ना हो वाइल डेकोरेटिंग एंड क्रम्बल कोटिंग। एंड एक लेयर लगा के मैंने यहाँ पे अच्छे से वाटर स्प्रे किया है, प्लेन वाटर, नॉट शुगर वाटर, प्लेन वाटर, क्योंकि केक एंड क्रीम ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं। तो इसमें आपको अच्छे से वाटर स्प्रे करना है ताकि मॉइस्चर अच्छे से ऑब्जर्व हो केक में। एंड फिर आपको इसमें ऐड करना है जो फ्लेवर्ड क्रीम हमने बनाई थी ना, वो वाली एक अच्छी सी लेयर लगानी है आपको, एंड अच्छे से उसको इवन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। एंड फिर उसमें ऐड करना है जो फ्रूट क्रश है वो अगेन थोड़ा सा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एंड सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है विथ ऑल द लेयर्स। अब यहाँ पे ना बीच में आप हमेशा जो टॉप लेयर होती है ना, वो रखो अपसाइड डाउन करके, एंड पहले उसके साइड सिक्योर कर लो विथ वाइट क्रीम, लाइक प्लेन क्रीम जो हमने रखी थी ना क्रम्बल कोटिंग के लिए, वो वाली क्रीम से, ताकि केक जो है वो ब्रेक ना हो, क्योंकि फर्स्ट जो लेयर होती है वो बहुत अनइवन होती है। साइड सिक्योर करने के बाद आपको अगेन वाटर स्प्रे करना है, एंड फिर अपनी फ्लेवर क्रीम ऐड करनी है, एंड उसको इवन करके आपको जो सबसे इवन लेयर है आपके केक की, दैट इज़ द लास्ट लेयर। मेरे लिए वो हमेशा लास्ट लेयर होती है, क्योंकि जो बेस होता है वो हमेशा इवन होता है, राइट? तो वो मैं ऐड करती हूँ सबसे टॉप पे, ताकि मेरा जो केक डेकोरेशन है वो पूरी इवन लगे, बिल्कुल भी यू नो अटपटा सा ना लगे। तो सेम प्रोसेस आपको करना है फिर जब सारी लेयर्स आपकी ऐड हो जाए, तो विद द हेल्प ऑफ वाइट क्रीम, मतलब जिसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया था आपने, जो हमने अलग से रखी थी, उसके हेल्प से आपको एक क्रम्बल कोट, मतलब एक पतली सी क्रीम की लेयर ऑल ओवर द केक लगा देनी है। उससे क्या होता है ना, जो ये केक के क्रम्बल्स होते हैं ना, वो सेट हो जाते हैं, तो वाइल डेकोरेटिंग वो क्रीम में नहीं दिखते, एंड आपका जो डेकोरेशन है वो क्लीन लगता है केक में।
सो आफ्टर अप्लाइंग ऑल द लेयर्स आपको एक क्लीन क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा देनी है केक में एकदम इवनली, और इसको 15 to 20 minutes के लिए फ्रिज में सेट होने रख देना है। एंड आफ्टर दैट आपको अगर कलर्ड केक बनाना है, मैं यहाँ पे वाइट कलर केक ही बना रही हूँ इसलिए मैंने प्लेन व्हिप क्रीम ले ली है, आपको अगर कोई कलर स्पेसिफिक बनाना है तो आप क्रीम में वो कलर ऐड करके फिर उसकी लेयरिंग कर दो यहाँ पे, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। और अगर आप मेरी तरह बिगिनर हो, आपको थोड़ा टाइम लगेगा टू यू नो इवन आउट द केक विद द क्रीम, बट टाइम के साथ हो जाता है, थोड़ा टाइम स्टार्टिंग में ज़्यादा लगता है, बाद में बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं यहाँ पे स्क्रैपल का यूज़ कर रही हूँ, उससे बहुत आसानी से हो जाता है, तो मैंने वो वाला यूज़ किया है यहाँ पे। नाउ एक और टिप जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरा केक का जो भी साइड सबसे अच्छा निखर के आता है ना, मैं उसी को अपना केक फ्रंट बनाती हूँ। सो नाउ डेकोरेशन में यहाँ पे तीन कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक है रोज़ डार्क पिंक कलर और एक है पीच कलर एंड एक है वाइट कलर। तो मैंने यहाँ पे तीन बाउल में अपनी प्लेन क्रीम ले ली है और दो में मैंने अपने कलर ऐड कर दिए हैं यहाँ। सो डार्क पिंक के लिए मैंने यूज़ किया था ओल्ड रोज़ एंड स्ट्रॉबेरी रेड कलर, तो मैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके ऐड करती हूँ ताकि जो डिज़ायर्ड कलर है मेरा वो मेरे को मिल जाए। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा ऐड कर दोगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाए, फिर उसको लाइट करने के लिए और क्रीम ऐड करना, एंड द प्रोसेस इज़ नेवर एंडिंग, तो वो वाला चीज़ मैंने ऐड किया है। और मैंने पीच के लिए पीच कलर ही यूज़ किया है, तो एंड वाइट क्रीम के लिए वाइट कलर। एंड मैंने यहाँ पे सारे स्टार नोजल्स यूज़ किए हैं, आप किसी भी बेकिंग शॉप में जाके स्टार नोजल बोलोगे हर साइज़ का आपको मिल जाएगा, तो मैंने यहाँ पे तीन तरह के स्टार नोजल ऐड किए हैं। नाउ फॉर द डेकोरेशन, मैंने टूथपिक की हेल्प से ना केक के साइज में ऐसे हार्ट्स बना दिए थे, क्योंकि मुझे यू नो ऑब्वियसली वैलेंटाइंस डे थीम केक है तो हार्ट्स तो होने ही हैं, और फिर मैंने क्रीम की हेल्प से ये हार्ट्स को फिल कर दिया था जो बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा मुझे ये वाला डिज़ाइन। एंड आप अपने मन से कोई भी डिज़ाइन कर सकते हो, स्टार नोजल मेरे फेवरेट होते हैं फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, बहुत इजी टू यूज़ है एंड बहुत अच्छा यू नो एक डेकोरेशन देते हैं आपके केक को। सो नाउ केक के टॉप के लिए भी मैंने सेम ही नोजल यूज़ करके वीडियो में दिखाई हुई डिज़ाइन बना ली थी, ताकि वो जो यू नो एक ट्रीज का इफेक्ट आता है उससे। एंड फिर मैंने केक के बॉर्डर को भी सेम नोजल से ही कवर कर दिया, जो काफ़ी सही लग रहा था। एंड फिर मैंने स्प्रिंकल्स की हेल्प से बाकी पूरे केक को यू नो अच्छे से डेकोरेट कर दिया, मैंने सेम कलर के स्प्रिंकल यूज़ करने का ट्राई किया है। और क्योंकि वैलेंटाइंस डे केक है तो हार्ट्स जितने भी हो अच्छे ही लगते हैं, तो मैंने यहाँ पे हार्ट स्प्रिंकल से भी यू नो आप जैसे देख सकते हो जो डिज़ाइन है उसके ऊपर हार्ट स्प्रिंकल रख दिए थे। और फिर मैंने इसमें रख दिया अपना केक टॉपर, जो आपको आराम से किसी भी बेकिंग शॉप में मिल जाएगा, एंड थोड़े से गोल्ड फ्लेक्स से भी डेकोरेट कर दिया। सो आप जैसे जैसे केक डेकोरेट करते हो ना, वैसे वैसे आपको आइडियाज़ आते रहते हैं और आप उसको अच्छा केक टर्न आउट कर सकते हो। तो ये था मेरा फाइनल वैलेंटाइंस डे केक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप इट विल हेल्प यू टू यू नो विद योर बेकिंग। एंड ट्रस्ट मी, मैंने ये सब यूट्यूब से ही सीखा है एंड आई एम स्टिल ऑन लर्निंग स्टेज। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन, एंड प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताना कि आपको ये केक कैसा लगा, और आपको अगर कुछ अच्छा नहीं लगा तो वो भी ज़रूर बताना, दैट विल श्योरली हेल्प मी टू इम्प्रोवाइज। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो दैट ऐसे वीडियो मैं और भी आपके लिए ला सकूँ। एंड या थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।